नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के समरडीहा में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये लोग घोरडीहा से सासाराम की ओर जा रहे थे, इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। घोरडीहा से सासाराम आ रहे थे, आने के दौरान समरडीहा गांव में एक्सीडेंट कर गए, पेड़ से टकरा गए हैं। क्या टकरा गया? कार टकरा गया है। हाँ। और 5 लोग घायल हैं। भागलपुर में सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और शिव भक्तों के द्वारा बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ में पूजा पाठ करते हुए बाबा भोलेनाथ में मन्नतें मांगे। बता दें कि भक्त उत्तरदाहिनी गंगा में स्नान करते हुए मंदिर में पूजा पाठ कर बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। ऐसी परंपरा है कि माघी पूर्णिमा को शुभ लग्न माना जाता है और 1 मार्च को महाशिवरात्रि का शुभ अवसर भी है। आज माघी पूर्णिमा है और उत्तरवाहिनी गंगा है, और गंगा में आज माघी पूर्णिमा, जो साल भर में आदमी गंगा स्नान करता है उसका फल जो है आज माघी पूर्णिमा एक दिन स्नान करने में फल प्राप्ति होता है, इसलिए माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। के बाद आने वाला पूर्णमासी जो होता है वो भगवान शंकर का एक दिव्य प्रभा का रूप उसमें बिखरता है, जो मानव मात्र के लिए बड़ा ही शुभकारक होता है। बेगूसराय में गंगा में हो रहे भीषण कटाव के विरोध में NH-28 को जाम कर दिया गया। वहीं STO के आश्वासन के बाद जाम खत्म हो गया। बता दें कि STO राकेश कुमार ने लोगों को जल संसाधन विभाग द्वारा टेंडर होने और जल्द ही कटाव निरोधी कार्य व्यापक स्तर पर चलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खत्म किया गया। STO ने भी कहा, गंगा में भीषण कटाव हो रहा है, किसानों की फसलें गंगा में विलीन हो गई हैं, गांव और बांध पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इस तरह के सेंसिटिव इशू को भी जो जल संसाधन विभाग ने उपेक्षा की है, इसके खिलाफ परसों भी SDO साहब के सामने प्रदर्शन धरना दिया था और आज मजबूर होकर कर रहा है कि कितना जोर से वो कटा हो रहा है। अगर इसकी तीव्रता कायम रही तो बहुत चंद दिनों के अंदर ये पानी बढ़ने लगेगा। इधर अजगरबढ़ में जो गंगा का कटाव तेज है, जिसके कारण काफ़ी भूमि गंगा नदी में विलीन हो गई है और स्थिति ये हो गई कि लोगों के घर तक खतरा मंडरा रहा है, तो इसके लिए पहले लोकल स्तर पर प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। अब विभाग के स्तर से इसका टेंडर हो गया है, जैसा कि इंजीनियर साहब ने बताया, और वो टेंडर के आधार पर, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के आधार पर जो है काम शुरू होना है। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के शहजादपुर गांव में शौच के दौरान पैन में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि गांव के बगल में एक सरकारी पैन है, वह शौच करने गया था। शौच के बाद अचानक उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों ने शव को बरामद किया। सूचना के बाद दीपनगर थाना मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना हुआ था कि पानी में डूबा हुआ था, ये पैन है बगल में। कहाँ? उसी में शहजादपुर गांव के बगल में। आप लोग को सूचना कैसे मिला? सूचना मिला, कोई राहगीर जा रहा था तो वही देखा कि इसका पैर दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या करने गए थे? शौच करने के लिए गया, सुबह उठ करके तो मालूम बताया नहीं किसी को, घर में ही सोया हुआ था लेकिन सुबह शौच करने के लिए गया था। नगर परिषद कार्यालय पर समाज सेवी शंभु सिंह के नेतृत्व में अनशन जारी है। धरना स्थल पर अनशन कर रहे एक अनशनकारी की तबियत बिगड़ने लगी है। समाज सेवी शंभु सिंह ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव ने हमारी 5 मांगों में से 2 को स्वीकार कर लिया है। वहीं अनशनकारियों का कहना है कि जब तक 5 मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसौड़ी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह के द्वारा लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अनशन अनिश्चितकालीन चलेगी, जब तक 5 सूत्री मेरा मांग है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना,
जो 2017 से किसी का एक किस्त मिला है, किसी का दो किस्त, तीसरा किस्त, सभी फंसा हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी से बोला जाता है तो उन्होंने पहले वर्क ऑर्डर दे दिया, किसी का मकान तोड़वा दिया, अपने बनाने का आदेश दे दिया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी आए थे मिलने, लेकिन उनके बात से संतुष्ट नहीं हुए। दो को मांग बोल रहे हैं कि हम दे दे रहे हैं, हम संतोड़ दीजिए। हम लोग बोले कि नहीं, जब तक 5 मांग नहीं पूरी करेगा तब तक हम जारी। दो दो मांगे कौन सी मान ली गई? अभी अंत्योष्टि और वार्ड नंबर 23 में बोरिंग वाला, दो को बोल रहे थे मान मांग। तीसरा कौन मांग है जो नहीं मांगा गया अब तक? आवास योजना है और टेंडर वाला है। और अब बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां 176 करोड़ से निर्मित राजगीर जू सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। यह सफारी राजगीर के पर्यटन स्थल में एक और नया आयाम जोड़ेगी। इसके कैंपस के दो भवनों में रोमांच से भरपूर सेंटर बनाए गए हैं, जबकि जंगली क्षेत्र में खुले भाग में दहाड़ मारते बाघ, शेर, चीता, भालू और अन्य खूंखार वन्य जीव होंगे। इन नजारों को देखने के लिए सैलानी के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इंतजाम किया गया है। इसी बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर लोग यहां के जानवरों का नजारा देख सकेंगे। वहीं खूंखार जानवरों के विचरण स्थलों के बीच बीच में कई वॉच टावर लगाए गए हैं। इससे पूरी सफारी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह जू सफारी पूर्वोत्तर भारत का पहला सबसे आधुनिक जू सफारी है। ढोल नगाड़े की धुन पर मसौड़ी के दाऊदपुर मोहल्ले में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। मौके पर समाजसेवी नवल भारती, रंगकर्मी धर्मेंद्र कुमार सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। मौजूद सभी समाजसेवी ने संत रविदास के विचारों को जीवन में अपनाने की शपथ ली। संत रविदास जी जो सत्य में जो वंचितों के लिए जो उन्होंने दोहे लिखे, गीत या जो उनका आह्वान है, उनके जो बताए रास्ते हैं, वो आज सचमुच में जो हम लोग जो है आपके साथ करने की जरूरी है। और सचमुच में उनके बताए रास्ते पर चल करके ही हम तमाम लोगों को भी मुक्ति मिल सकती है। जो देश में उस जमाने 13वीं शताब्दी में जो जो संत बन करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सचमुच में जाति बंधन को तोड़ करके आज से ऊपर उठे और जो आज संत बने हैं, हम उनके नमन करते हैं। सच कहा जाए तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कि उनकी जो दोहा थी, वास्तव में समाज को जगाने के लिए उनकी जो दोहा थी, एक दोहा के एक पंक्तियां हैं, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उन्होंने इस दोहा के माध्यम से, मन चंगा कठौती में गंगा के माध्यम से, समाज को जागृत करने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और लोगों में उत्तेजना भी आई, लोग जागे भी और अंधविश्वास से दूर हट कर कर करके समाज के बीच में उन्होंने काम किया। आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल परिसर में धूमधाम के साथ विज्ञान प्रदर्शनी सह व्यंजन मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने तरह तरह के विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा और कौशल से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा समाज विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। वहीं कई सुंदर भोज्य सामग्री के स्टॉल भी लगाए गए। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध IPS अधिकारी विकास वैभव मौजूद थे। इसके अलावा वाणिज्य महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एनके झा भी उपस्थित रहे। हम लोग अब इसी में लगे हुए हैं कि जितने जल्दी हो सके इन बच्चों की पढ़ाई को पूरा कराएं, इसीलिए आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। आपने देखा हमारे बच्चों ने बहुत प्रकार का प्रयोग करके रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके पहले किसी ने नहीं किया था प्रयोग, लेकिन हम बच्चों को स्वयं कहते हैं जो तुम प्रेरित करते हैं, तुम स्वयं प्रयोग करो।
जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और बच्चों को प्रेरित यदि हम कर दिए तो भविष्य निश्चित बदलेगा। पटना सेंट्रल स्कूल पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है, जिसमें विद्या किस प्रकार प्रखर रूप में बच्चों में दी जाए उस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। और साइंस एग्जीबिशन हम भी जब याद करते हैं तो बचपन में हम लोग भी बहुत परिश्रम किया करते थे, और जब ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते थे तो उसका प्रभाव आज तक है। तो सभी को बच्चों से मिलकर उनको मैंने शुभकामनाएं दी और प्रेरित भी किया कि अच्छा करें। वहीं बेगूसराय में धर्मांतरण मामले को लेकर एबीवीपी के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कर लावण्या को न्याय और नीति त्रिपाठी की रिहाई की मांग की गई। एबीवीपी के नगर मंत्री पुरुषोत्तम कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने जीडी कॉलेज परिसर में लावण्या को न्याय दो, बेटियों पर अत्याचार बंद करो, जबरन धर्मांतरण बंद करो नारे लगाते हुए जीडी कॉलेज गेट के समक्ष पुतला दहन किया। छात्रों ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक छात्र आंदोलन करते रहेंगे। एमके स्टालिन होश में आओ, होश में आओ, एमके स्टालिन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत के चार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्राओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज पूरे देश भर में तमिलनाडु की सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। जैसा कि सभी को मालूम है कि विगत दिनों तमिलनाडु की एक छात्रा बहन लावण्या को जर्मन जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, और जब वह क्रिश्चियन मिशनरी में धर्मांतरण को स्वीकार नहीं की तो उसके उपरांत उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और उसकी आत्महत्या के बाद विद्यार्थी परिषद पूरे देश में आंदोलनरत है। विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब यह मामला तमिलनाडु इसका सीबीआई जांच का आदेश दिया, और उस सीबीआई जांच के अगेंस्ट में तमिलनाडु की बेशर्म सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया गया, इसलिए विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु की सरकार का पुतला दहन कर रही है, पूरे देश भर में लावण्या को न्याय देने का प्रयास कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।